छेड़े दिए गुड मॉर्निंग गाइज, अ वेरी फ्रेश मॉर्निंग स्टार्ट है। अभी मैं फिलहाल मुरुड बीच के पास ही हूँ। जैसे कि आपको पता था कि कल मैंने जो स्टे किया था वो मुरुड बीच के सामने ही था, तो अभी फिलहाल नाश्ता एंड ऑल सब करके, जैसे कि मैंने आपको कल कमिटमेंट दिया था कि मैं पद्मदुर्ग अभी जा रहा हूँ, तो बोटिंग अभी सुबह की 8 बजे हो गई है और बोटिंग अभी शायद से चालू हो गई है। टिकट्स ले लेता हूँ और बोटिंग के लिए निकल जाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से पद्मदुर्ग बोटिंग से 15 से 20 मिनट दूर है। फिलहाल बोटिंग के लिए 300 रुपये चार्ज किया है। अभी यहाँ से बोट ले लेंगे और सीधा वहाँ पर चलेंगे पद्मदुर्ग के पास। वहाँ पर वेट भी करेंगे और फोर्ट एक्सप्लोरेशन भी करेंगे। जंजीरा किले से उत्तर पश्चिम में बंधवाया गया यह किला दरअसल 9 एकड़ में फैला है। इसको कासा किले के नाम से भी जाना गया है। मुख्य तो शिवाजी महाराज ने इस किले का निर्माण सन 1693 में जंजीरे किले को काबिज करने हेतु बंधवाया गया था। इस किले की हाइट लगभग 60 फीट तक है और गहराई कम से कम 30 फीट तक है। किले के दीवारों अभी भी स्थित और शानदार है, जिससे अंदाजा आता है कि काफी सूझबूझ से किले का निर्माण हुआ है। अंदर आपको कई गढ़ और तोहफे नजर आएंगे जो उस टाइम में कोसों मीलों तक गोला बारूद जाती थी। अंदर आपको पीने के पानी वाला छोटा सा तालाब भी देखने मिलेगा। ऊपर से आपको किले का आकार अष्टभुज जैसा लगेगा। पुराने शासन काल में यह किला एक कैद खाना हुआ करता था। संभाजी महाराज के जंजीरे किले को नाकामयाबी के बदौलत और वक्त गुजरते देख ये किला अब खंडर हो गया है और ASA के तहत आता है। एक्सप्लोरेशन हो गया है, ये फोर्ट हिस्ट्री आपको मैंने बता ही देगी। अब यहाँ से चलते वापस बोट, हमारी बोट अभी वेट कर रही है। बोट से वापस चलते बीच और बीच से स्कूटी लेके मैं निकलता हूँ अभी अलीबाग साइड। तो चलिए एक घंटे के ड्राइव के बाद मैं कोरलाई फोर्ट आ गया हूँ, जो कि मुरुड बीच से एक्चुअली 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी यहाँ पर आया हूँ, कोरलाई फोर्ट और लाइट हाउस भी है। यहाँ से टिकट्स लेनी पड़ती है, तो चलिए टिकट्स।
जैसे यहाँ पर लाइट हाउस है और यहाँ पर कोरलाई फोर्ट है, ऊपर चढ़ने वाला तो कोरलाई फोर्ट चढ़ने से। कोरलाई किले को चोल के पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। सन 1521 में पुर्तगीजों ने निजाम की मंजूरी से यहाँ पर एक छोटा सा पोर्ट बंधवाया और आज इसको कोरले के मशहूर किले के नाम से भी जाना जाता है। ये किला काफी छोटा है बट तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सत्रह सौ 1739 में चिमाजी अप्पा ने इस किले पर आक्रमण करके अपनी जीत हासिल की। अंदर आपको दो गढ़ देखने मिलेंगे जो कि पुष्टि और गणेश है। यहाँ पे कुल 5 बास्टियंस हैं, जिनमें से कुछ खंडर स्थिति में हैं। यहाँ पर रेवदंडा का ब्रिज दिख रहा आपको और ठीक वहाँ पर सामने रेवदंडा फोर्ट है, तो उसके बाद हम लोग वही जाने वाले हैं। पश्चिम द्वार पे आपको गोदाम मिलेगा जहाँ पर बारूद रखा करते थे। उत्तरी दिशा की तरफ से आपको रेवदंडा किले के अद्भुत से नज़ारे देखने मिलेंगे। सोलह सौ 1602 में आखिर ऐसा खोज किया कि लगभग 70 तोहफे इस किले पर मौजूद थे। उत्तरी द्वार की तरफ से एक बुरुज का नाम सेंटा क्रूज है जो कि सी टेढ़ी है और तोहफे की निगरानी से तैत रखे गए हैं। कोरले गांव में बसा एक किला काफी शानदार तरीके से इस गांव की छवि को दर्शाती है। सिंस ये नो ड्रोन परमिटेड जोन है, अभी फिलहाल मैं कोरलाई फोर्ट के नीचे आया हूँ, मैं यहाँ का ड्रोन शॉट नहीं ले पाऊंगा, सीधा अगले डेस्टिनेशन पे चलूंगा। मिनट का सफर करके कोरलाई फोर्ट से मैं अभी आया हूँ रेवदंडा फोर्ट, जो कि रेवदंडा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, इसको सातखानी बुरुज भी बोलते हैं। तो चलिए अंदर एंट्री ले लेते हैं। अलीबाग से 17 किलोमीटर दूर और मुंबई से 125 किलोमीटर दूर ये किला को सात मंजिली बुरुज भी कहा जाता है। पोर्टुगीजों ने कई सालों तक इस किले पर अपनी हुकूमत आजमाई और इसको मुख्य तौर पर व्यापार के नजरिए से देखा जाता था। सात मंजिली बुरुज इसलिए क्योंकि आप देखोगे तो सात मंजिली तक ऊंची इसकी कद को कैप्टन सोज ने बड़ी सूझबूझ से बनवाया गया था। अंदर आपको कई अवशेष देखने मिलेंगे। जो सामने देख रहे हो वो कोरलाई फोर्ट है। रेवदंडा फोर्ट एक्सट्रीमली छोटा है। अब यहाँ से चलते हैं सीधा अगले डेस्टिनेशन की तरफ जो कि एक बहुत पुराना मंदिर है, हम लोग वहाँ चलते हैं। अभी फिलहाल मैं अलीबाग साइड के चौल डिस्ट्रिक्ट में हूँ। चौल डिस्ट्रिक्ट के सबसे पुराने और सबसे प्राचीन मंदिर जैसे रामेश्वर मंदिर में आया हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हो कि ये मंदिर बहुत ही पुराना है। चौल गांव में बसा ये रामेश्वर मंदिर रायगढ़ के सुंदर मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान शिव के मंदिर है और बाहर जो कुंड है उसका नाम पोखरण है जो कि तीन प्रकृति के रूप के दर्शाती है जैसे कि बारिश, अग्नि और वायु। मंदिर को हेमाद्रिपंत पद्धति से बंधाया गया है जिसमें ज्यादा करके संगमरमर और चूने का इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि मंदिरों का निर्माण पांडवों ने किया था। अधूरे काम को पूरा कर मराठों के आंग्रे साहब ने इस मंदिर का निर्माण पूरा किया। सच्ची में मराठाओं के लिए एक स्मृति चिन्ह है। वैसे ऐसा माना जाता है कि चौल गांव में टोटल 365 मंदिर है, अलॉन्ग विद ब्यूटीफुल लेक्स, स्मॉल स्मॉल वाटर बॉडीज है। और पहले ये पोर्चुगीज का जमाना हुआ करता था, मतलब पोर्चुगीज के लोग पहले यहाँ पर चौल गांव में रहते थे अलीबाग डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए रेवडंडा जो फोर्ट है डिस्ट्रॉय किया हुआ है, पहले पोर्चुगीज ने बांधा था, ब्रिटिशर्स ने वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। और भी ऐसे है जैसे शिव दत्त मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। सो अगर आप अलीबाग ऑफ बीट अलीबाग करना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि बारिश के टाइम पे अब चौल गांव में ज़रूर आना। अब यहाँ से चलते हैं सीधा फेरीज की तरफ। फिलहाल अभी रोरो पैक्स जेटी के पास हूँ मैं, यहाँ से वापस मुंबई जा रहा हूँ। आई होप आप लोग को ये जर्नी बहुत ही पसंद आई रहेगी। इनफैक्ट ये टूर मैंने जो काफ़ी कंप्लीट किया आज का दिन का, मुरुड में जितने भी स्पॉट्स आई थिंक सो सारे कवर कर लिए है, अलॉन्ग विद लिबाग साइड के भी कुछ कुछ फोर्ट्स है वो भी मैंने कवर कर लिए। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आया रहेगा। सारी डिटेल सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो भी होटल स्टेज या जो भी नंबर्स रहेंगे वो सारी डिटेल्स मैं डाल दूंगा ब्लॉग्स के एंड में। एक्सपेंसेस भी एंड में है तो ज़रूर एक्सपेंसेस भी देखिएगा। एंड ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड टिल देन दिस इज़ मी जुगल साइनिंग ऑफ। टिल देन सी यू, बाय बाय।